हमारे सभी दोस्तों को भारत की पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ प्यार भरा नमस्कार और जय श्री राम। 1982 में इमरान खान ने कहा था कि क्यों ना कश्मीर का फैसला क्रिकेट के मैदान में हो, लेकिन जब क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट वर्ल्ड कप में 6 बार फैसला हो चुका है और इमरान के पीएम बनने के बाद एक बार और हो गया है, फिर इनको तो कश्मीर के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही छोड़ देना चाहिए। हर बार की तरह क्रिकेट विश्व कप में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। जहां एक तरफ भारत में खुशियां मनाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान की जनता को पहले से ही पता था कि उनकी तो औकात ही नहीं है भारत से जीतने की। हमारे दिल हमारे जज्बात की कोई परवाह नहीं है। वो अंदर स्टेडियम 90% इंडियंस थे, क्योंकि उनको सर्टन था कि हम जीतेंगे और हम लोग गए ही नहीं, क्योंकि पता से हमारी औकात ही नहीं है अभी जीतने की, कोई कोई कुछ नहीं कह सकता। और पाकिस्तान की जनता ने खिलाड़ियों की जमकर खिंचाई की। बारिश अभी बारिश भी होगा तो पाकिस्तान हार जाएगा, पहले होना चाहिए था, मैंने तो बता भी दिया था, पेज पे पोस्ट भी किया था, लेकिन ये लोग आमीन ना आमीन बोलते हैं ना दुआ करते हैं। उस वक्त अगर सही ये लोग सही सच में 2-3 लाख पाकिस्तानी सही दुआ कर देना दिल से, बारिश हो जाता। लो एक तरफ भारतीय कप्तान विराट कोहली जहां जिम में पसीना बहा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का कप्तान क्या कर रहा है ये आप ही देख लीजिए। गोगो चौका चॉकलेट पान मसाला। और तो और जब पाकिस्तान के कप्तान को इंटरव्यू में इंग्लिश समझ में नहीं आई तो ये नाटक किया। Safraz, obviously results haven't gone your way in the last few months, but we'd be keen to remind you side of what happened 2 years ago in the Champions Trophy. So you will carry the deck. Our batting is performing hopeful as a team. Thank you. दूसरी तरफ भारत के कुछ गद्दार पाकिस्तान प्रेमियों के सीने पर भारत की जीत से सांप लौटने शुरू हो गए। पाक प्रेमी सेक्युलरों से जब भारत की जीत बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए भारत की तुलना पाकिस्तान से करनी शुरू कर दी। बरखा दत्त, स्वरा भास्कर, महबूबा मुफ्ती, श्रुति सेठ और सुनंदा आदि ने अपना दुखड़ा कुछ इस तरह रोया। गोबरल गैंग का कहना है कि भारत की जनता के मुकाबले पाकिस्तान की जनता में सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा है, मतलब पाकिस्तानी लोग स्वच्छ हास्य प्रवृत्ति के लोग हैं, जबकि भारत के लोग ऐसे नहीं हैं। तो जब पाकिस्तान मैच नहीं जीत पाया तो ये सभी गोबरल लोग मिलकर मॉरल विक्ट्री देने की कोशिश कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तानियों ने भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा था कि कहीं ऐसा न हो कि तुम लोग स्टेडियम पहुंचो और लिखा हुआ हो कि भारतीय और डॉग्स नॉट अलाउड। लेकिन बाद में इन लोगों का क्या हाल हुआ ये आप अच्छे से जानते हैं। अब एक तरफ पूरा देश भारत पाकिस्तान के मैच में नजरें गड़ाए बैठा था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर एक अलग ही विकेट लेने की फिराक में थे, लेकिन करम जले सोशल मीडिया ने उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।